लोगों पर छिड़का नमक, उद्धव के हालात पर चुटकी लेकर माहौल किया और गरम। अब क्या उद्धव ठाकरे के तीखे तेवर पड़ेंगे नरम? अब जब महाराष्ट्र में घमासान छिड़ा ही हुआ है, महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल आया ही हुआ है, महाविकास अघाड़ी सरकार का मिजाज गड़बड़ाया ही हुआ है, उद्धव ठाकरे की टेंशन बढ़ी ही हुई है, बागी विधायक एकनाथ शिंदे को अपना नेता चुन ही चुके हैं, तो अब ऐसे में इस मौके का फायदा अगर एमएनएस भी उठा ही ले तो क्या बुराई है। एमएनएस यानी महाराष्ट्र नव निर्माण सेना, राज ठाकरे की पार्टी है एमएनएस, और अब एमएनएस ने भी इस घटनाक्रम में कूदकर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी है। एमएनएस ने महाराष्ट्र के राजनीतिक घटनाक्रम पर अपने अंदाज में तंज कस दिया है। महाराष्ट्र नव निर्माण सेना ने राज्य के बिगड़े हालात को लेकर पोस्टर चस्पा कर दिए है, पोस्टर लगाकर शिवसेना की हालत पर चुटकी ले ली है। इशारों इशारों में एमएनएस ने शिवसेना से पूछा है कि अब ये सब जो हो रहा है वो देखकर कैसा लग रहा है। मुंबई के साकीनाका इलाके में एमएनएस का ये पोस्टर लगा है, इसमें पार्टी प्रमुख राज ठाकरे की भी फोटो है। राज ठाकरे पिछले कुछ महीनों से वैसे भी शिवसेना पर हमलावर है, अजान और हनुमान चालीसा विवाद से उनकी राजनीति ने नया रूप लिया है और वो उभर कर भी आई है। राज ठाकरे लगातार उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। हालांकि पिछले कुछ दिनों से दोनों भाइयों के बीच हुई इस अनबन को आधार बनाकर उद्धव सरकार ने राज ठाकरे के खिलाफ कई मुकदमे भी दर्ज कराए हैं। तभी तो अब जब महाराष्ट्र पर ऐसा सियासी संकट आया कि सरकार गिरने का नंबर आ गया, तो फिर एमएनएस ने पोस्टर चस्पा कर उद्धव के घावों पर मरहम की जगह थोड़ा नमक छिड़क दिया है, पूछा है अब कैसा लग रहा है। हालांकि उद्धव से जिसने बगावत नहीं की है वो भी इस माहौल में एक्टिव हो गया है, बचे हुए सैनिक बागियों के खिलाफ आक्रामक हो गए। कुर्ला में बागी विधायक मंगेश कुडालकर के दफ्तर में शिवसेना कार्यकर्ताओं ने तोड़फोड़ कर डाली, जमकर हंगामा किया, पथराव किया। हालांकि फिर शिवसैनिकों को सलाखों के पीछे भी डाल दिया गया। जानकारी के लिए आपको बता दें, एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे भी पहले शिवसेना का ही हिस्सा हुआ करते थे, बाला साहेब ठाकरे के वो भतीजे हैं। जब शिवसेना के उत्तराधिकारी चुनने की बात आई थी तो बाला साहेब ने राज ठाकरे, जो की राजनीति में बेहद एक्टिव हुआ करते थे, उनके बजाय अपने बेटे उद्धव को पार्टी का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। इसी बात से नाराज होकर राज ठाकरे ने बगावत कर दी थी और जनवरी 2006 में शिवसेना से अलग होकर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के नाम से अपनी खुद की पार्टी बना ली थी। ठीक इसी तरह एक बार फिर शिवसेना में फूट पड़ गई है। ढाई साल शिवसेना की एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन कर चलाई गई सरकार के आगे अब उद्धव भी बेदम दिखाई दे रहे हैं। शिवसेना के सीनियर नेता एकनाथ शिंदे ही बागी हो गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि 55 में से 40 विधायक उद्धव का साथ छोड़कर शिंदे गुट के समर्थन में चले गए हैं। हालांकि उद्धव की तरफ से इनको 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दे दिया गया है। वहीं शिवसेना के बागी नेता एकनाथ शिंदे ने उनका समर्थन करने वाले विधायकों के साथ बैठक की अध्यक्षता की, दावा किया कि शिवसेना के 40 विधायक समेत करीब 50 विधायक इस लड़ाई में उनके साथ हैं। मांग सिर्फ एक कि महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी से गठबंधन कर ले। अब उद्धव इस बारे में क्या फैसला लेते हैं, बीजेपी के आगे झुकते हैं या नहीं, ये तय उद्धव को करना है और जल्द से जल्द करना है। देखते हैं महाराष्ट्र की राजनीति अब अगले कुछ दिन में किस तरफ मुड़ती है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या बीजेपी से गठबंधन करेगी शिवसेना? इस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।